तो गाइस ये है वो पेंटिंग, बहुत ही ज्यादा ह्यूज है ये, कम से कम कितना होगा 10 फीट 15 फीट जितना होगा ऊपर तक। यहाँ पे गाइस गाड़ी लेके आना थोड़ा मुश्किल है, भाल बेले की भाल लगे ना, फोटो डिमांड भाल के माने बुझे पड़ा बनाई दे। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर न्यू व्लॉग। सो यार आज का मतलब कि व्लॉग में मतलब कि मैं ये दिखाने जा रहा हूँ कि जो रिसेंटली नीलिम दा ने जो महादेव का जो स्ट्रक्चर मतलब कि जो आर्ट बनाया है, पेंटिंग किया हुआ है ना, वो एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है। जो हमारे लखीमपुर पे जितने भी लोग हैं उनको पता है वैसे, बट मैं उनके लिए मैं बना रहा हूँ कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं या फिर डिब्रूगढ़ तेजपुर साइड से आ रहे हैं या फिर कोई बाहर से आसाम में बाहर को लेकर ट्रेवल करके आते हैं यहाँ पे, एंड उनको ये लोकेशन अगर जाना होता है तो उसके लिए मतलब ये वीडियो बना रहा हूँ कि मैं रास्ता दिखाऊंगी कि कहाँ से हम जा सकते हैं उस लोकेशन तक। एंड वैसे अभी मैं लेके जा रहा हूँ अपना बाइक एंड पूरा मतलब अच्छे से जाएंगे। एंड वैसे मौसम यार खुल गया, क्योंकि यार ये चीज़ मेरा प्लान था कुछ हफ्ते पहले बनाने का, बट ये होने पाया क्योंकि बारिश के चलते ना, तो मैं चला गया था होलोंगी रेस देखने को। उसके बाद जब आया घर पर तो अभी मुझे मिला चांस जाने का। एंड मेरे साथ है वैसे यहाँ पे मेरा भाई है वैसे आकाश है, एंड भाई का फ्रेंड है यहाँ पे गोकेन मेरा नाम भूल गया था वैसे। एंड वैसे आज का जो लंच का जो सब्जी जो बना है ना, काटा ना, वैसे भाई ने काटा है, ठीक है। मतलब कि जो हमने मतलब कि आज क्या खाया था, जीका खाया था हमने आज, तो जीका मुझे मतलब कि बनाने के लिए मैं थोड़ा मतलब कंफ्यूज हो रहा था कि कैसे बनाए, तो भाई ने पर काट के दिया समझा दे, तो मैंने जगह बनाया। एंड लंच करके अभी हम निकलने वाले हैं। घी का साथ खाया, एंड उसका साथ खाया, क्या बोलते हैं ये भूट जो लोग साथ खाया, इसका तो पूरा नागालैंड का दिमाग से जो मैं लाया था उसका अचार था, तो उसके साथ खाया तो इसका पेट जल रहा था, तो वैसे भी ठीक है। एंड वैसे मैंने कहा था कि इनको गाड़ी लेके चलने को, बट यार अभी मौसम साफ है तो हम बाइक में जा सकते हैं, और इनका बाइक स्प्लेंडर घर का वो बाहर पे, तो ठीक है चलो चलते हैं ना, चलो। एंड वैसे यार खेती बाड़ी करने का सीजन आ गया एंड बारिश भी बराबर हो रहा है। ला तेल तो नहीं, डिपिक डबा कर रहा है आकाश, डाले डाले डाले। तो यार ठीक है यार चलो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। भाई तो बोल रहे थे कि गाड़ी में चले एक साथ, क्योंकि यार मुझे बाइक राइड करने का मन कर रहा था। एंड वैसे मोटो ब्लॉगिंग यार करके यार अच्छा फील कर रहा हूँ, कुछ चांस कर रहा हूँ तो इसी कारण से। तो ये है अपना नॉर्थ लखीमपुर जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, एंड ये अपना है घर। एंड अगर कोई आता है नॉर्थ लखीमपुर, यू पीपल आर मोस्ट वेलकम। एंड वैसे आज हम चल रहे हैं जैसे मैंने वीडियो में मैंने कहा तो पेंटिंग को देखने के लिए। एंड वैसे मैं सही तरीके से मैं दिखाऊंगा रूट, आपको समझाऊंगा कि उस पेंटिंग तक कैसे करके पहुंचा जाए। तो वैसे मैं जा रहा हूँ सपोर्टिंग साइड से जहाँ पे है सेंट मेरी स्कूल, एंड वैसे दूसरे साइड से भी जा सकते हैं, बट ये मेरे लिए थोड़ा ईजी पड़ता है ये रास्ता बाईपास को निकलने के लिए। एंड वैसे अगर आप डिब्रूगढ़ से आओगे ना, बाईपास से होके आना, तभी आप वो लोकेशन इजीली आप पहुंच पाओगे। तो ये लो गाइस हम आके पहुंच गए बाईपास, लखीमपुर बाईपास है ये। एंड आप ये जो दिख रहे हैं ना, ये डिब्रूगढ़ साइड से आते हैं, ये सीधा जाता है तेजपुर की ओर। रास्ते हम जाएंगे नीचे की ओर, चलो पहले चलो तुम लोग आराम से रहे। देखो यहाँ पे ना वैसे बाइक तो जाते हैं, यहाँ पे निशान भी है बाइक का, एंड इसी का धीरे धीरे साइड साइड से मैं जाऊँगा सर जाएंगे धीरे धीरे। ओए होए 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 होए, ठीक है चलो। यहाँ पे गाइस गाड़ी लेके आना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, रास्ता थोड़ा छोटा है, बट थार लेकिन आ जाएगा यहाँ पे,
लेकिन चढ़ाते वक्त ना प्रॉब्लम हो सकता है, पूरा बालू है वहाँ पे, सैंड है। तो बाइक वैसे नीचे आ गई आराम से, बहुत ही आराम से आ गई, यहाँ से बिल्कुल आ गई है शिव जी का तस्वीर, जो कि अभी बहुत ही वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। ओके वैसे यार नीलिमदा ने जगह बहुत यार अच्छा चूज़ किया हुआ है। नीलिमदा बहुत अच्छा से मतलब कि प्लेस चूज़ करके मतलब कि पेंट करते हैं। वाह मैं तो बस यही साइड पे मैं देख रहा हूँ। ओहो ये वो प्लेस है गाइज, हम ऑन द स्पॉट पहुंच चुके हैं। एंड वैसे यार यहाँ पे ना ट्रेन लाइन बहुत ही पास में, तो इस कारण से और लोग ऑलरेडी है यहाँ पे, तो ठीक है थोड़ा सही है, बाइक कर देते पहले यहाँ पे पार्क, यहाँ पे इस साइड पे रखते हैं। सो वी हैव रीच्ड, सो दिस इज द लोकेशन। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार लोग होंगे यहाँ पे ऑलरेडी पहले से, तो ये वो प्लेस है। एंड एक बार अगर आपको ना टूर करा दूँ प्लेस का, ये रेलवे जो ये ट्रैक है ना बहुत ही पास में है, ठीक है। सो मेक श्योर कि यार कुछ हादसा ना हो जाए यहाँ पे देखते वक्त। কেন কা লাগিছে তো আর্ট টু ভাল লাগিছে কিবা মেসেজ দিব খুজা নেকি বহুত ধুনিয়া বনাইছে আর হইতো হেটো নেকি দেখাত না লাগে বড় কিন্তু তলটাই চালে মানে আর ভাল বেলে কিবা ভাল লাগে না ফটো ডিমান ভালকে মানে বুঝো পারা না বহুত ধুনিয়া লাগে ফটো বেশি ভাল লাগে ফলোটা ন করা ভালছে হেটা বনাই দক যে তাত কি বস্তু বনে বনালে ভাল হবো কোয়া কি না 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 নহয় 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 না না এফলে কৃষ্ণ এফলে হেফলে শিব হলে তাত কি হবো পার্বতী পার্বতী আ তেতিয়া ভাল লাগিব হ্যাঁ ল'ৰাবিলাক তাত যাব ছোৱালীবিলাক ইয়াত আহিব তেতিয়া ন এক্সেঞ্জ হৈ যাব তেতিয়া এইটো বস্তু অঁ এইটো বস্তু যদি ভালকৈ যদি মেইনটেইন কৰি যদি থয় হাঁ বস্তু ইয়াত যদি প্লানটেশ্যন অলপমান হয় ন ক্লিন হ'লে ইয়াত ধুনীয়া এটা বস্তু হৈ যাব ষ্টুডিঅ' টাইপ হৈ যাব অঁ টুৰিষ্টৰ কাৰণে ভাল হ'ব কেনেকুৱা জগিং মানে মই কৰা নাই বহুত টাইম হ'ল গ'লে এই মোৰ পেট চে ওলাই গৈছে মই জাষ্ট এনেকৈ কৰি থাকি আছে সেইকাৰণে ঘৰত মই এনেকৈ থাকি তোমাৰ আছে বৰ ধুনীয়া আছে কিন্তু তোমাৰো পিছত মানে এইটো তোৰ এটা নিকাল গিয়া হে তোৰা কাৰে কাৰ আ যায়গা তো গাইজ ইয়ে হে ও পেইণ্টিং तो भैया मतलब कि बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है, ये कम से कम कितना होगा 10 feet 15 feet जितना होगा ऊपर तक, एंड ये यहाँ से लेके बिल्कुल वहाँ तक है। सो गाइस अभी हम निकलने वाले हैं यहाँ से, एंड अभी हम जाने वाले काकोशेट घूमने को, एंड आई थिंक आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। एंड वैसे यार स्पेशली मैं ये भाई को पूछता हूँ, ये भाई वैसे आए हुए ईटानगर से हमारे घर पे रह रहे हैं, एंड भाई यार आपको यार ये देख के कैसा लगा यहाँ पे आर्ट? बढ़िया था, मस्त था, मस्त था। हाँ इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, और आदमी देख के भी मतलब हम सोचा ऐसे ही पेंटिंग के लिए आदमी कैसे आ गया, वो पता चला कि वो भैया का है, फेमस है वो ईटानगर में जो डैम वाला ना नीलिम भाई का वादा लास्ट है, कंट्रोवर्सी वादा, बढ़िया लगा ना। सो भाई को भी बहुत ही मतलब पसंद है, एंड वाकई में यार ये पेंटिंग बहुत ही पसंद मतलब बहुत ही अच्छा है, ये पेंटिंग बहुत ही सुंदर है। अगर इनकेस अगर किसी को आना होता ना जैसे मैंने रूट बताया इसी रूट से आना बहुत ही ईजी रहेगा, तो आप देखना फोटो वोटो खींचना यार, थोड़ा प्रमोट करना लखीमपुर को, ठीक है, आसाम को थोड़ा करना प्रमोट, एंड स्पेशली जो आर्टिस्ट है यहाँ के तो उनको करना प्रमोट। एंड अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ठीक है। सो आई हैव टू एंड दिस ब्लॉग, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग टिल हियर, आई विल सी यू सून इन माय अनदर नेक्स्ट ब्लॉग, टिल देन चलो बाय गाइज, टेक केयर।